नमस्कार, मैं हूं मंजू। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बनाएंगे कुछ खास तरह की रेसिपी। हमने लिए हैं तुरई के फूल, इसे नेनुआ भी कहते हैं। इसके जो फूलों की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। कि छोटे छोटे फूल होते हैं, मतलब खिले हुए नहीं होने चाहिए बहुत ज़्यादा। इनको क्या करना है, इनके डंठल निकाल देने हैं और डंठल निकाल के एक एक कली को हमने अलग कर लेना है। तो छोटे छोटे से फूल हैं, इनको फेंकना नहीं, इनको भी साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हमारी फूल हो जाएंगे अलग अलग। और फिर इनको क्या करना है, गुनगुने पानी में उनको धोना है। गुनगुना पानी ले लिया है हमने और उसमें इसको सारे डाल देने हैं, अच्छे से इनको साफ़ कर लेना है। और जो छोटे छोटे फूल हैं, ऐसा लगता है कि आपको खिल गए हैं, लेकिन वो फेंकना नहीं है, उनकी भी सब्ज़ी ही बनानी है। और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरीके साफ पानी में निकाल लेने हैं। और फिर क्या कर लेना है, एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में उनको डाल देना, थोड़ा सा पानी डाल देना है और उनको 2 मिनट के लिए ढक के रख देना है। बहुत ज़्यादा इनको नहीं बॉयल करना है, बस 2 मिनट के बाद इनको निकाल लेना है। और ठंडा होने के बाद में इनको एक थाली में इस तरीके से हम निकाल लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इनको ठंडा होने के बाद में क्या करना है, इनको हल्के से हाथ से आप ले लीजिए और लेने के बाद जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल दीजिए। इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका बनाने का मन करेगा। फिर लेना है कढ़ाई, कढ़ाई में लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल, आप चाहें तो रिफाइंड का तेल भी ले सकते हैं। 1 चम्मच लेना है जीरा, और ये मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लिया है। 2 प्याज, 4 से 5 कलियां लहसुन का पेस्ट बना लेना है। उसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्ची स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला। बस ये मसाले हो गए हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो हमने तुरई के फूल निकाल के रखे हैं उनके ऊपर हमने इसको सारा मिक्स कर लेना है। अब डालने हैं लास्ट में हमने 2 चम्मच करीब चावल का पाउडर। आपके पास चावल का पाउडर नहीं है तो क्या करना है, 2 चम्मच कच्चे चावल को भिगो दीजिए। भीगने के बाद में वो उनका पेस्ट बना लीजिए और वो पेस्ट इसमें मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद में ये सब्ज़ी हमारी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। अब मिक्सर को क्या करना है, कढ़ाई में जो हमने तेल लिया था उसमें हमने इसको छोड़ देना है और धीरे ही धीरे इसको भूनना है। गैस को बहुत तेज़ नहीं रखना है, ध्यान रखिए गैस को अगर बहुत तेज़ करेंगे तो हमारी सब्ज़ी कढ़ाई में जल जाएगी। तो धीरे धीरे ही हमने सब्ज़ी को 5 मिनट तक भून लेना है, क्योंकि जो तुरई के फूल हैं वो हमारे पहले से ही हल्के से बॉयल किए हैं, यानी कि पक चुके हैं, लेकिन मसाले के साथ इसको भूनना है। जब मसाले के साथ ये हमारी सब्ज़ी भूनती है तो बहुत ही टेस्टी बन जाती है। इसी तरीके से तुरई के छिलकों की भी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो लीजिए, हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। आप इसको पूड़ी के साथ, पराठा के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि सब्ज़ी बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो तब तक खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।